अरे किस गहरी सोच में डूबे हो ताऊ? चालू बेटा, ये शार्क टैंक देख देख के हमारा भी घना मन कर रहा, क्यों ना एक घी का बिजनेस स्टार्ट कर लो। जैसे विनीता बेटी ने रणवीर को लेके एड में प्रमोशन करा, ऐसे मैं भी किसी बड़े से स्टार को लेके एड में प्रमोशन कर लूं। पर ताऊ, ये हीरो तो एक एक दिन के करोड़ों रुपए लेते हैं। वो तो ना है हमारे पास। कोई बात नहीं, क्रिएटिव हट्टी तो है ना। वो क्या है अब? देखो, जब हम घी के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी नानी याद आती है, तो हम नानी से ही प्रमोशन करवा लेते हैं। पर बेटा, हमारी नानी तो आपकी नानी नहीं ताऊ, आपकी नानी तो चल बसी, ये वाली नानी अमर है। आप रुको, नानी। सो ग्राहकों को अपना बिजनेस समझाना है, नानी है ना। ग्राहकों के लिए डिस्काउंट भी तो चलाना पड़ेगा, बिल्कुल, उसके लिए भी नानी है ना। अरे वाह। और तो और, ग्राहकों को त्योहार जैसे कि हैप्पी दिवाली विश करना है, उसके लिए भी नानी है ना। अरे क्या बात चालू बेटा, ये नानी तो गनी ऑलराउंडर निकली, मेरा बिजनेस तो सुपर हिट हो गया। ताऊ पहले शुरू तो कर लो। तो शार्क्स ऐसे ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है क्रिएटिव हट्टी। शार्क्स क्रिएटिव हट्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको मिलते हैं 100% देसी स्टॉक ग्राफिक्स, जैसे कि इंडियनाइज्ड कैरेक्टर बंडल्स, डिजाइन टेम्पलेट्स और ऐसे ही कई तरह के ग्राफिक एसेट्स जो कि आपके बिजनेस की ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं। हमारा देश कितना ही डाइवर्स है, यहाँ हर कल्चर के लोग मिलते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेट पर ग्राफिक्स ढूंढने जाएं तो कुछ ही गिने चुने ऑप्शंस मिलते हैं। इसी सोल्यूशन को लेकर आए हैं हम क्रिएटिव हट्टी। क्रिएटिव हट्टी के ग्राफिक्स ना सिर्फ स्टार्टअप्स बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और पेटीएम सभी यूज करते हैं। इतना ही नहीं, कई सारी शार्क टैंक कंपनीज ने भी हमारे ग्राफिक्स यूज किए हैं और इसलिए इंस्टाग्राम पे निशा को शार्क डिजाइनर के नाम से भी जानते हैं। और आज हमारे पास 1 लाख से भी ज्यादा कैरेक्टर्स का स्टॉक है और पिछले 3 सालों में क्रिएटिव हट्टी से 10 लाख से भी ज्यादा वेक्टर्स डाउनलोड हुए हैं। तो शार्क्स, हम हैं टीम क्रिएटिव हट्टी के फाउंडर्स और मैं निशा। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं पवन। मैं मुकेश। और मेरा नाम शालू है। हम 5 पंचकुला हरियाणा से आए हैं और हमारा विजन है कि हर बिजनेस की विजुअल पहचान क्रिएटिव हट्टी के द्वारा हो और उसके लिए हमारी आपसे आस है 60 लाख फॉर 2% ऑफ इक्विटी। शार्क्स, नानी भी पूछ रही है, क्या डील पक्की? पक्की? नानी को कौन मना करेगा। तो बिजनेस पे आने से पहले थोड़ा बताइए, हम 5 फ्रॉम पंचकुला मिले कहाँ पे? So, मैं और निशा एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हमारी स्कूलिंग भी इकट्ठे थी एंड हमारी मुलाकात इन 3 अमेजिंग को-फाउंडर्स के साथ हुई ग्रेजुएशन में। एंड हमने डिसाइड किया कि हम लोग इस दोस्ती को बिजनेस में भी तब्दील करेंगे। फिर हमने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया एंड वहां से हमने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की। और अभी शादी नहीं हुई ना किसी? शादी हो गई है। किसकी हो गई? सर, मेरी और मुकेश की, निशा एंड पवन। इनकी अलग किसी और के साथ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ना। पर शादी करने के बाद सारे एक ही घर में रहते? हाँ जी, सारे एक ही घर में रहते। 7 साल। अच्छा, अभी हम जरा प्रोडक्ट पे आते हैं, आपके रोल्स क्या है आप पांचों के, कौन क्या करता है कंपनी में? मैं मुकेश, सीईओ ऑफ द कंपनी। शालू क्रिएटिव हेड। मी टू क्रिएटिव हेड। एंड मेरा सीओओ ऑपरेशंस हेड। और मैं सारे टेक्निकल ऑपरेशंस देखता हूं। बिजनेस समझाइए। तो शार्क्स, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज क्रिएटिव हट्टी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक टेम्पलेट्स जो हमारे इन हाउस क्रिएट किए गए हैं। देन आते हैं हमारे कैरेक्टर बंडल्स, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मैं बहुत अमेजिंग पर्संस की इलस्ट्रेशंस दिखाना चाहती हूँ इन अ वेक्टर स्टाइल। वी आर द टॉप नॉच फ्रीबीज। सो हमारा जो हार्ट एंड सोल ऑफ द बिजनेस है वो है हमारे कैरेक्टर, कि उसमें मल्टीपल पोजेज हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अनुपम शादी डॉट कॉम के लिए लेट से आपको एक पंडित जी की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे ये पंडित रामेश्वर जी मुझे लगता है आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका प्राइस 4,000 rupees फॉर द एंटायर कैरेक्टर सेट। यस। और ये 3,999 अगर मैंने दे दिया आपको एंड उसके बाद मुझे कोई रॉयल्टी नहीं देना? नो, इट्स फॉर लाइफ टाइम। यस, इट इज माइन। यस। और कोई आईपी इंफ्रिंजमेंट वगैरह हुआ तो? नहीं होगा ऐसी कोई बात। No. इसमें हम लोग आईपी ट्रांसफर करते नहीं है, रेगुलर लाइसेंस देते हैं। तो आईपी हमेशा आपके पास रहती है, तो कोई भी अगर लीगल इश्यू होता है आगे चल के वो आपके ऊपर? आईपी रिमेंस टू अस ओनली। समझ।
किसी ने डाउनलोड किया आपकी इमेजेस और फिर व्हाट्सएप पे बांट दी, वो कैसे प्रोटेक्ट करोगे? नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो तो खैर नहीं रोका जा सकता, बट ये है कि जैसे कोई बड़ी कंपनीज या कोई कॉर्पोरेट है उनको ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि अगर मेरे को उसको प्रिंटिंग में लेना है। आप लोग की कोई लीगल टीम है मतलब जो ये प्रोटेक्ट करती है? अभी के लिए वैसे कोई लीगल टीम है नहीं। आपका अगर किसी ने कॉपी किया तो आप लीगल नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजते अभी? नहीं, हम मेल डाल देते हैं उनको और मोस्टली वो या तो रिमूव कर देते हैं या फिर उसका पे आउट कर देते हैं। पर आपको पता कैसे लगता है? गूगल स्क्रोलिंग से, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग से वैसे ही पता लगता है। आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रिंजमेंट डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मुझे सेम पंडित चाहिए तो ऐसे नहीं है कि इट इज एक्सक्लूसिवली अनुपम। बट आई कैन आई पे यू मोर एंड टेक एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव मॉडल नहीं है, अपस्केलिंग मॉडल है। मतलब हम बोलेंगे कि आप हमसे कस्टम बनवा लो। समझ बढ़िया। शटरस्टॉक डिपॉजिट फोटोज सिमिलर है? नो, सर ये हमारे अपने इन हाउस कैरेक्टर्स हैं। शटरस्टॉक के पास कंट्रीब्यूटर्स का डाटा है, प्लस उनके पास डाइवर्स डाटा है, मतलब ग्लोबली डाटा है। इंडियन डाटा इतना किसी के पास नहीं। वी कैन से सिमिलर बिजनेस मॉडल बट नॉट एग्जैक्टली सेम बिकॉज वी आर टैपिंग द नीश मार्केट। एक बात बताइए, आपका बिजनेस का जो फंडामेंटल, क्या उसमें अभी वजन बचा है बिकॉज ऑफ जनरेटिव AI? आप सिर्फ टाइप कर दीजिए और वहां पे आप महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आई डोंट नो, मेबी 2000-3000, जितनी इमेजेस चाहिए उतनी मिल जाए। और जहां तक मैं समझता हूँ, इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इतनी फिक्र नहीं, वो वहां से लेके यूज कर लेते हैं अपने काम। राइट, तो आपके बिजनेस का फ्यूचर कोई है आफ्टर दिस काइंड ऑफ AI डेवलपमेंट? जो AI है, जो मिडजर्नी है, वो इंटरनेट से जगह जगह से डाटा उठाते हैं और आपको क्रिएट करके देते हैं। बट अगर कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो किसी ने बनाया ही नहीं, हम वो डाटा भी बनाते हैं। मिडजर्नी में आप जाके बिल्कुल ब्रांड न्यू इमेजेस क्रिएट कर सकते हो जो एग्जिस्ट भी नहीं करते। भरा पड़ा है यार, फ्री में मिलता है। आप ये यही तो स्पेशलिटी है सर हमारी, भरा पड़ा है बट आप फिर भी चेक करोगे ये चीजें नहीं मिलने वाली। अपना धंधा कितना है आपका? हमारे 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। हमारी अपनी वेबसाइट जहाँ से हमारा 50% ऑफ द रेवेन्यू आता है, देन दी अपसेलिंग जहाँ पे हम लोग कस्टम बना के देते हैं, तो दैट इज 30% ऑफ अ होल बिजनेस। एंड 20% आता है हमारा मार्केट प्लेस से, जैसे फ्रीपिक, शटरस्टॉक, इन सब पे हम अपना डाटा भी सेल करते हैं। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? कंपनी हमारी स्टार्ट हुई थी 2020 के अंदर। 20 में क्या था? 2021 के अंदर हम लोगों ने किया 1.5 CR, उसके बाद हम लोगों ने किया 2.5 CR, पिछले साल हम लोगों ने किया 4 CR। क्या बात है। रिपीट कस्टमर्स परसेंटेज हमारी 22% है। और इस साल कितना करोगे? इस साल हम लोग वैसे 7 CR प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। पिछले महीने कितना किया? 55 लाख। और घर में कितना बचा पिछले महीने? आपका तो एक ही घर है तो आप आराम से बता सकते हैं। घर की अगर मैं बात करूं तो मतलब 12-13 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट था। आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था जब आपने 4 करोड़ किया था? अराउंड टोटल ही 10-12 लाख के आसपास। लास्ट ईयर हम लोगों ने कम बुक किया क्योंकि बिकॉज़ हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा थे। एक्सपेंस मेनली क्या? मैनपावर ही होगी? हां, मैनपावर ही। कितने आप लोग टीम साइज क्या? 40 लोगों की टीम है सर। तो आपका 700-800 रुपए टाइप्स ऑर्डर वैल्यू बनता है ईच ऑर्डर का? क्योंकि वहां पे 4000 दिखा रहा था। 250 के करीब ऑर्डर वैल्यू। 50% तो यहीं से सर्विसेज बिजनेस है। आपका जो 250 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसके लिए आप टिपिकल CAC कितना होता है आपका? जी एक्चुअली हम CAC पे अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सारा ऑर्गेनिक है? सारा ऑर्गेनिक है। With zero spend on marketing, आपका सिर्फ 12 लाख profit है। Right. तो अगर आपको स्केल करना है तो आपको काफी मार्केटिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। अभी तो मेजर जो पार्ट है वो सैलरीज के ऊपर ही जा रहा है ना। टीम के पास जो है मेजर शेयर जाता है, 20 लाख रुपीज हमारा टीम के अंदर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टर्स, हम लोग अपना पार्ट विड्रॉ करते हैं 5 लाख रुपए महीने का, 1-1 लाख रुपए पर मंथ। तो 20 लाख वो हुआ सैलरी का, 5 लाख 25 लाख, 55 लाख का रेवेन्यू बाकी कहाँ गया? उसके बाद हमारे इंफ्रा पे जाते हैं सर कुछ कॉस्ट। इंफ्रा क्या होता है? इंफ्रा बेसिकली क्या, हम लोगों ने जो ऑफिस एक्वायर किया हुआ उसके रेंट जाते हैं। इतना थोड़ी लगता है भाई, 15 लाख कहाँ खर्च करोगे पंचकुला में? नहीं, 15 लाख नहीं खर्च कर रहे सर हम लोग उसके अंदर। 3 ऑफिस है हमारे, और सिस्टम्स हो गए, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होगी, मिड जर्नी के एक्सपेंसेस हो गए, ChatGPT के एक्सपेंसेस हो गए, इन सारी चीजों को रिसर्च टीम के एक्सपेंसेस हो गए, सब मिला के 5-7 लाख रुपए ये जाते हैं हमारा बस। 30 लाख हो गया। अभी अपने को 40 लाख तक जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप GST हटा के बता रहे हो कि मिला के बता रहे हो? नहीं, अभी GST हटा नहीं रहे हम लोग, अभी सब कुछ इंक्लूडेड है। 10 लाख तो GST चला है। कितना GST अपनी कैटेगरी पे? 18% लगता है। देखिये, जहां तक मैं समझता हूँ आपका जो बिजनेस है ना वो एक फ्रीलांसर बिजनेस है, और आप 5 फ्रीलांसर साथ में आ गए हो और अभी इसको एक बिजनेस की तरह फंडिंग सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स नॉट पॉसिबल जहां तक मैं समझता हूँ। दी अदर थ्रेट ऑफ जनरेटिव AI जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आई थिंक आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आगे जाकर आपका बिजनेस खत्म कर दो।
So that's the reason I'm out and I wish you the best. मेरा मानना ये है कि to really build something large, आपको ये एक एक जो आईपी है आपका जो you know, जो आप बना रहे हैं फतेह सिंह जी नानी जो भी you know, क्रिएट कर रहे हैं इनकी अपनी पहचान बनानी पड़ेगी मतलब इन दे विल हैव इवेंचुअली जैसे AI इन्फ्लुएंसर होते हैं ऐसा अपना पेज होगा उनका इंस्टाग्राम पे उनकी मतलब यू नो ब्रांड बनेगी तभी लोग कंटिन्यू करेंगे नहीं तो कोई भी आपका जो 4000 का आप बेच रहे हैं कोई भी डिजाइनर उसको कॉपी पेस्ट करके 3000 में बेच देगा कस्टमर इज नॉट लुकिंग फॉर नानी कस्टमर लुकिंग फॉर एनी नानी राइट तो वो तो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट सस्ते में बेच सकता है आई थिंक अभी राइट नाउ मुझे वो जर्नी ऑफ ये यू नो 7 से 50 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा उसके लिए थोड़े टीम गैप्स एंड अप्रोच गैप्स लग रहे हैं तो इससे अभी मैं इसके लिए इससे आउट हूँ बेस्ट ऑफ लक आपके ये जो ग्राफिक्स हैं इनका लिमिटेड यूज होगा इन ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन तो आप 30-40 crores तक बन सकते हैं आई हैव नो डाउट बट एज एन इन्वेस्टर मुझे एग्जिट मिलने के लिए यू हैव टू रीच अ सर्टन सेल्स जो ये कैरेक्टर के साथ आई डोंट फील द कॉन्फिडेंस And for that reason, I'm out. ये business जो है मेरे को from a investable perspective इतना large scale नहीं दिख रहा। देखो partly services business है जहाँ custom orders आते रहेंगे और partly अपने दूसरी side पे अगर मैं जाऊँ तो product business जिसपे focus करना चाहिए because that's very high margin. एक बार character बन गया बार बार download होगा बार बार पैसा आएगा। I'm out for that reason, but I wish you all the best. I don't even think you should raise funds. You are doing very well. But sir, वैसे अगर मैं बात करूँ globally ना, वैसे 40,000 करोड़ की market है ये, और जिसमें सबसे बड़ा share ना Getty Images और Shutterstock का है. अगर वो एक platform. इसमें एक difference है जो तुम समझ नहीं रहे हो. Photography है वहाँ पर. Photography में बहुत expense लगता है. जब तुम platform बना दोगे ना community driven जहाँ तुम contribute कर रहे हो Indian images अभी भी कम मिलती है वहाँ पर by the way. तो अगर तुमको अगर कम्युनिटी एंगल में इस कैरेक्टर से जाके फिर अगर कम्युनिटी बना रहे हो तो फोटोग्राफी डालो दैट विल बी अ बेटर आइडिया टू स्केल द बिजनेस बट फॉर नाउ आई थिंक यू प्रॉफिटेबल जस्ट रीइन्वेस्ट इन योर टेक्नोलॉजी बिल्ड योर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म एंड यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल गाइस कीप इट अप थैंक यू अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूं और रीजंस इन्होंने सारे बोल ही दिए हैं मैं रिपीट नहीं कर रहा बट आप लोग लगे रहो इन्वेस्टर की इतनी जरूरत है नहीं तो मत ढूंढो Super, very good pitch. All the best, guys. From Panchkula, best of luck, and we'll be rooting for you. From Hum Panch. Love what you build, guys. Thank you, Shaz. Fly robe, you know fly robe, na? What is it? It's a rent the runway ka India. Oh my God, fly robe! This is a 10-year-old company that died. I know. Obviously, it's a reinvention game. Rahul, what are you doing here? What the Rahul? बिल्कुल घबराने कोई बात नहीं ना मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया ना मेरे पास रोज के जोक्स अरे वेरी गुड एक छोटी सी दुविधा है जिसका समाधान ढूंढने मैं आज यहाँ आया हूँ आप इनसे मिले ये आंचल हैं दिल्ली से और ये श्वेता और ऋषभ हैं ये बैंगलोर से हैं अपनी अपनी कंपनी का नाम बताओ फटाफट हमारे कंपनी का नाम है कैंडिड मैन मेरी कंपनी का नाम है फ्लाईरोप और कैंडिड मैन दो बहुत ही अच्छे बिजनेस पर बहुत ही सिमिलर बिजनेस तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि किसे पिच करने भेजें किसे नहीं तो हमने ऐसा डिसाइड करा कि क्यों ना दोनों को बराबरी का मौका दिया जाए दोनों पिचेस बैक टू बैक आपके सामने पेश की जाएंगी दोनों को इक्वल टाइम मिलेगा आपके सामने पिच करने का आपको सवाल जवाब करने का उसके बाद एक ऐसी आवाज आएगी इसका मतलब ये है कि टाइम समाप्त हो चुके हैं बट एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आपको एज शार्क्स अपना डिसीजन एंड तक होल्ड करके रखना है जब तक दोनों पिचेस कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाती आप अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट जो भी डिसीजन है आप तब तक रिवील नहीं करेंगे जो टॉस जीतेगा वो पहले जाएगा एंड रही बात इन्वेस्टमेंट की तो पैसे आपके डिसीजन आपका आप दोनों में से किसी एक बिजनेस में डालें दोनों में डालें या ना डाल के मुझे दे दें आपका डिसीजन है सारा किसान चलिए टॉस करा जाए कौन कॉल कर रहा है मैं कॉल करता हूँ टेल्स आप कॉल करते हैं टेल्स तो मतलब आपका हेड जाकर हेड जाके तो फिर आप पहन जाएंगे और अगर टेल्स जाके तो आप पहन जाएंगे डन
On the count of 3, 2, 1. Tails आ गया है, बहुत बहुत बधाई, आप जा रहे हैं फर्स्ट और हम चलते हैं जरा। ऑल द वेरी बेस्ट सर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है श्वेता पोद्दार। हाय श्वेता। और मेरा नाम है ऋषभ पोद्दार। ऋषभ, आप देख सकते हैं आज हम दोनों ने सूट पहना है। इसने ये सूट 13,000 रुपयों में खरीदा है और वैसे तो मेरा सूट का MRP भी 13,000 रुपया है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 1500 रुपए में ले लिया क्योंकि मैंने ये रेंट पे लिया है। कुल मिला के इसने 11,500 रुपया ज्यादा खर्च किया है एक ऐसे सूट पे जो शायद ये कभी जिंदगी में वापस पहने भी ना। क्योंकि ये है एक इमोशनल बायर और मैं हूँ एक लॉजिकल बायर। मैन के इसी साइकोलॉजी को हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि वे अच्छे और वैरायटी ऑफ कपड़े तो पहनना चाहते हैं लेकिन वन टाइम ओकेजन वेयर पे इतना खर्चा नहीं करना चाहते, पर इवेंट्स पे हॉट शॉट दिखना तो सबको बनता है ना। इसीलिए हम लाए हैं अपने बिलवड मैन के लिए कैंडिड मैन, मेंस ओनली फैशन रेंटल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आप MRP का सिर्फ 10-15% रुपए देकर कपड़े रेंट पे ले सकते हैं। हमारे पास मेंस फैशन के कई कैटेगरीज हैं जैसे जोधपुरी, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सूट और टक्सीडो। हमारे कई सारे डिजाइन हमने खुद इन हाउस बनाए हैं। हमने आज तक अपने कस्टमर्स का 60 करोड़ से ज्यादा रुपए बचाए हैं और फैशन रेंटल एक काफी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव भी है फैशन पोल्यूशन का। हमने कैंडिड मैन की शुरुआत 2017 में बैंगलोर से की थी और आज हमारे स्टोर बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली में भी है। हमारा विशन है कि हम कैंडिड मैन और फैशन रेंटल को मेंस का नंबर 1 चॉइस बनाएं। आज हमारी आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी इन अवर कंपनी। Come on, Rishabh, Shweta. Rishabh, Shweta, बहुत ही सुंदर लगे कपड़े। Thank you. Thanks. ये आप लोग खुद ही डिजाइन करते हैं? 50% हम खुद डिजाइन करते हैं और 50% हम होलसेलर से सोर्सिंग भी करते हैं। शानदार। थोड़ा सा आपके बारे में समझते हैं, आपको ये आइडिया आया कैसे और आप दोनों कहाँ मिले और ये मेरे ब्रदर हैं। ओके। ऐसा हुआ था कि एक बार दो शादियां थी एक ही महीने के अंदर एंड मैंने कपड़े खरीदे थे 3-4 जोड़ी तो मेरा अराउंड 30-35,000 खर्चा हो गया था और एक शादी में पहना मेरा को बहुत सही लगा, लेकिन जब 2 हफ्ते बाद दूसरी शादी में वही कपड़े पहने थे तो मेरे में इतना एक्साइटमेंट नहीं था। मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि जितना मैंने 35,000 खर्च किया है अब मैं फिर से वो उतना खर्च भी नहीं करना चाहती थी, तो मुझे लगा कि ये रेंटल का काफी सही स्कोप है। इंटरेस्टिंग। एक बार अपना बैकग्राउंड भी बता दीजिए आप। तो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है VIT वेलोर से। फादर टेक्सटाइल बिजनेस से हैं। ओके। तो काफी कपड़ों का बिजनेस देखा है उनके थ्रू। कहाँ पर बेस्ड है? ईरोड, तमिलनाडु। अच्छा। आपका भी बैकग्राउंड बता दीजिए ऋषभ। आप गुस्से में रहते हो या आप ऐसे आप हंसते हैं? नहीं नहीं, मतलब गुस्से में बिल्कुल नहीं। मैंने भी दीदी जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, सेम कॉलेज VIT वेलोर से। अच्छा, तो दीदी के सामने आप ऐसे स्टूडियस बन के खड़े हो, गुस्सा नहीं है? हाँ। वैसे बदमाश हो, दीदी के सामने सीधे हो। चलिए आगे बताइए। और फिर मैंने अपने डैड के बिजनेस में भी कुछ टाइम काम किया और मैं 1.5 इयर्स US भी जाके आया था, MS की पढ़ाई की थी मैंने। तो CEO दीदी हैं कि आपको? नहीं, मैं CEO दीदी हैं। समझ गए। तो ये मार्केट के बारे में एक सवाल है कि 15 साल पहले जब रेंट द रनवे बहुत बड़ी बनी थी $1 बिलियन कंपनी, तब से बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया इंडिया में, पर इसका एक स्टिग्मा है, जैसे बार बार कपड़े रिपीट करने का है ऐसे भाड़े पे कपड़े पहनने का भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, तो आपको कुछ लग रहा है चेंज हो रहा है ये? मैम, स्टिग्मा डेफिनेटली है बट वो काफी इम्प्रूव हो रहा है और रेंटल की जितनी भी कंपनियां थी पहले
वो अपने कस्टमर्स को बहुत अफोर्डेबल एंगल से ही ट्रीट करती थी। जिस कस्टमर्स के पास पैसे नहीं है वही रेंटल करेंगे, तो वो स्टॉक भी वैसे ही रखते थे, बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं रहते थे। और हम हर कपड़े को 1.5 ईयर्स रोटेट करके हटा देते हैं, तो आपके पास हमेशा नए और ट्रेंडिंग डिजाइन हमारे पास मिलेंगे। और एवरेज प्राइस रेंज क्या होते हैं आपके कपड़े के? 899 से शुरू होके 6000 तक है। वो रेंट पे करते हैं तो कितने दिन के लिए मिलते हैं कपड़े? मिनिमम 4 डेज है। तो ऑनलाइन में पिकअप ड्रॉप मिला के 900 रुपए? हम पिकअप ड्रॉप चार्ज करते हैं कस्टमर्स को। एक दिन आपने 900 तो एक रेंज बताई थी, 900 to 6000, एवरेज कितना आता है आपका? 2300। इसका एग्जांपल दो तो, ये क्या है प्राइस? जैसे इसने जो पहन रखा है, हाँ, वो हम 1300 में रेंट करते हैं ये फुल सूट। कमाल है, कमाल है। पर अगर आप 10 या 15% पे देते हैं तो आपको तो 15-20 बार एक ड्रेस को चलाना है फॉर इट टू। हम 30-35% ऑफ WSP पे देते हैं। WSP मतलब WSP होलसेल प्राइस, क्योंकि हमारा काफी कलेक्शन। तो उन्होंने बोला 10-15% ऑन MRP। ऑन MRP। अच्छा, ओके। और कहाँ ये कितने में मिलेगा बाहर? मिनिमम 6000 में तो मिलेगा। मेरे को लगता है 4-5000 में मिल जाएगा ये अनब्रांडेड। लेकिन अगर आप इसको वन टाइम ओकेजन वेरी करना है तो फिर भी 1300-4000 से लेस है, राइट? अच्छा ठीक है, ये हो गया 16। ये बाकी प्रोडक्ट? ये 2600 का जोधपुरी सेट है। अच्छा, ये भी अराउंड 2600 का है। ये काफी हेवी है, दिस इज लाइक 5500 का है। ये वैसे कितने का आता है नॉर्मली? ये अराउंड एटलीस्ट 35000 में आएगा। तो आप ये ब्रांडेड होते हैं, ये कोई ब्रांड्स के होते हैं? ये हमारा वी डोंट सेल इट एज एनी ब्रांड नेम। सेल नहीं, सॉरी रेंट। तो आपकी शॉप है या आप रेंटल ऑनलाइन भी करते हैं? 2018 तक हम सिर्फ ऑनलाइन मॉडल पे काम करने की कोशिश कर रहे थे। हमें समझ में आया कि कस्टमर्स फील करके ही लेना चाहता है, तो हमने बैंगलोर में जो जिस ऑफिस से हम काम कर रहे थे वहीं पे कस्टमर्स को अलाउ करने दिया, ट्रायल रूम बना दिया। कस्टमर्स आते थे, वेबसाइट से सेलेक्ट करते थे क्या क्या पसंद आया है, जो सेल्स का बंदा है वो कपड़े उनके ट्रायल रूम में रख देता था उनके ट्रायल करने के लिए। तो इससे हमें देखना चाहते थे कि शोरूम वगैरह खोलेंगे तो चलेगा या नहीं। अपनी दुकान से कितना बिजनेस होता है? 80% ऑफलाइन होता है और 20% ऑनलाइन होता है। अच्छा, सेल्स बताइए। तो हमारा लास्ट ईयर का सेल्स था 2.1 करोड़। 2021 में हमारा सेल्स था 85 लाख। 2020 में हमारा सेल्स था 42 लाख। 2019 में हमारा सेल्स था 1 करोड़। इस साल कितना चल रहा है, रन रेट कितना चल रहा है? इस साल का प्रोजेक्शन है 6 करोड़। आप 6 करोड़ क्यों करोगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है? सर, हमने अभी दिल्ली में एक नया शोरूम खोला है लास्ट वीक ही। बहुत अच्छा स्टोर है। बहुत अच्छा है। तो आपकी ग्रोथ हो रही है अपने ही पैसों पे? आपने कोई फंडिंग उठाई है? नहीं, नहीं उठाई। तो आपने 3 करोड़ का बिजनेस कर लिया अपने आप से और स्टोर खोले जा रहे हो, और हर स्टोर प्रॉफिटेबल है? हर स्टोर प्रॉफिटेबल है और कंपनी लेवल पे भी प्रॉफिटेबल हो। हाँ, बढ़िया। हैदराबाद के स्टोर का इकोनॉमिक्स बता दीजिए। अभी तक हैदराबाद के स्टोर से नहीं, मंथली, लास्ट मंथ का बता दीजिए। लास्ट मंथ 10 लाख। हैदराबाद के बता दो, 10 लाख का रेवेन्यू, खर्चे क्या क्या बचता है फाइनली? अराउंड 20% हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है, GST। इसकी आपके कैलकुलेशन कैसे करते हो? बिकॉज ऑन एवरेज एक जो प्रोडक्ट है वो तो आप 20% MRP पे ही दे रहे हो। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकालते हो आप? हम जो कपड़े खरीद रहे हैं, हाँ, वो डिजाइन 1 साल में पुराने हो जाएंगे और 1 साल में वो पूरा रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो आप नंबर ऑफ वेयर ले लेते हो 1 साल में, उसका डिवाइड कर देते हो ऑफ टोटल परचेज प्राइस और पर रेंटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हो, वही करते हो? हाँ। तो कि एक कपड़े का कितना आ रहा है 1 साल में यूसेज? ऑन एन एवरेज 8 आ रहा है। 8। एक बार इकोनॉमिक्स पे आते हैं दोबारा, आगे चलते हैं हम 10 लाख में। GST हम माइनस करते हैं। GST कितना? 12% GST। 5% हम ड्राई क्लीनिंग का माइनस करते हैं। 5% ड्राई क्लीनिंग। 65% हमारा ग्रॉस मार्जिन होता है। हाँ जी। और हम सैलरी का 15% करते हैं। सैलरी का 15%, रेंट का 5%। 50,000 में स्टोर? वही। कैसे फिर? It's like 1 lakh around. तो 10% हो गया। 10% हुआ ना, 10 लाख की सेल। नहीं मतलब ये मतलब in general we calculated yearly 5-10% रेंट पकड़ लेते हैं, बाकी बचा 40%, उसका क्या हुआ? वो हमारा EBITDA हुआ। अरे वो तो नहीं हो सकता ना आपका EBITDA।
आप 40% EBITDA कमा रहे हैं? नहीं, एक और नहीं, हम लोग मार्केटिंग का भी माइनस होगा। मार्केटिंग का कितना बताइए? हम अराउंड 5% स्पेंड करते हैं मार्केटिंग। 5% तो चलिए 35% आप EBITDA निकाल रहे हैं। हाँ। लास्ट मंथ सेल कितनी है आपकी? अगस्त 28 था, सितंबर 21 था। 20 लाख में से पिछले महीने 6 लाख रुपए अपने घर में बचे। हाँ। और लास्ट ईयर कितना बुक्स में दिखाया आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 60 लाख ऑन अ सेल ऑफ पूछ लो कुछ। हाँ जी कुछ। ऐसा भी होता है कि लोग वापस ना दें आके? होता है, लेकिन लेस देन 1% है। तो फ्रॉड का इज नॉट अ बिग थिंग, नॉट अ बिग थिंग बिकॉज़ टिल द नंबर इज स्मॉल। ठीक है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपटीशन आए थे, तो एक कंपनी थी फ्लाईरोब, नाम सुना है आपने उनका? हाँ सुना है। तो उनको तो फंडिंग वगैरह भी मिली हुई है पहले? हाँ, मिला। बट वो आपने सुना था कि वो इतना अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर भी आपने सोचा कि आप इसमें घुसना चाहिए? हम लोग जो कर रहे हैं बहुत अलग है। फर्स्टली उन लोग ने जो स्टोर्स खोले थे वो बहुत बड़े स्टोर्स खोले थे, जिसमें उन्होंने आके रेंट वेंट में बहुत स्पेंड किया था। बेसिकली तो मॉडल में ही फर्क है कि हम काफी चीजें इन हाउस सोर्सिंग करते हैं, बिकॉज हमें ये भी समझ में आता है कि मेन कंज्यूमर को इतना फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्रांड किसका है। आज से 3 साल में आपका क्या प्लान है, कितना बड़ा बिजनेस होगा आपका, एंड हाउ, मतलब कैसे बनाओ? प्रोजेक्टिंग अराउंड एटलीस्ट 3x ग्रोथ एवरी ईयर। तो आप ये कह रहे हो कि इस साल 6 करोड़ करोगे, अगले साल 18 करोड़ करोगे, और उसके अगले साल आप करोगे 54 करोड़। जब 54 करोड़ करेंगे अपन लोग, कितने होंगे अपने स्टोर? 15-20। आई थिंक 15। पर आपने बोला कि 10 लाख पर मंथ आएगा एक स्टोर से, तो 1.5 करोड़ × 12 18 करोड़ हुआ। मेरे को बहुत क्लियर नहीं लग रहे नंबर स्ट्रेटजी वाइज अभी, फ्रैंकली। आप लोग नंबर बड़े बड़े बोल रहे हो, पर उसकी बैकवर्ड मैच होती ना, वो स्टेडी स्टेट क्या बैठेगी? आपको 40-50 स्टोर चाहिए होंगे ना? हाँ। तो आपको ये मैथ क्यों नहीं पता है? सॉरी, अभी सॉरी बोलने का टाइम खत्म हो गया ना। आप शार्क टैंक पे सामने खड़े हो, तो इतना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में आपने नहीं सोचा है, आपने यही देखा है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसको इस तरीके से बढ़ाया जा सके। और आप के एक स्टोर बनाने में कितने पैसे जाते हैं? अराउंड 60 लाख। 60 लाख, 40 स्टोर बनाने में आपको ऑलमोस्ट 25-30 करोड़ लगेंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है आपकी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या रहेगी आगे चलते हुए? मतलब हमारा क्वालिटी और सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस है। व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? ही और शी? नो, मार्केटिंग आई थिंक इज समथिंग व्हिच वी हैव नॉट डन। You can use a lot of help on branding, that's for sure. Okay. इस साल 6 करोड़ में कितना पैसा बचा लोगे? 2 करोड़ बचा लेंगे। आप दोनों की एक्विटी सेम है 50-50? नहीं, मैंने 2017 में शुरू किया था, इसने मुझे 2022 में ज्वाइन किया है। ओके, तो आपकी कितनी है? मेरी 70 है, इसकी 30 है। चलिए, आपसे मिलके बहुत मजा आया। थैंक यू दोनों से। अब हम लोग फ्लायर रूप से भी मिलते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। शार्क्स, क्या आप ये लहंगा देख रहे हैं? इंस्टाग्राम पे इसकी एक फोटो आते ही इस लहंगे की मौत हो गई। हम हर ओकेजन पे कुछ नया और डिजाइनर पहनना चाहते हैं, बट ये हमारे प्लैनेट के लिए सस्टेनेबल नहीं है और ना ही हमारी पॉकेट के लिए है। मेरा नाम आंचल सैनी है, मैं इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन फैशन रेंटल कंपनी फ्लायरो की CEO हूँ। अब आपकी खुद की शादी हो या आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, आप एक नॉमिनल अमाउंट में अपनी पसंद का डिजाइनर वेयर रेंट पे ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं लहंगास, गाउन्स एंड अनारकलीज फॉर वुमेन, एंड शेरवानीज, इंडो वेस्टर्न सूट्स एंड टक्सीडोज फॉर मेन। ये प्रोडक्ट्स यूजर्स हमारे वेबसाइट से या फिजिकल स्टोर से रेंट कर सकते हैं। हमारे स्टोर्स पर आपको एक्सक्लूसिव डिजाइनर लेबल्स जैसे कि गौरव गुप्ता, अमित अग्रवाल, सव्यसाची, शांतनु निखिल भी मिलेंगे। हमारा विजन है कि हम आने वाले 3 सालों में इंडिया में 100 से ज्यादा फ्लाई रोप स्टोर्स खोलें। इसके लिए मेरी आस्क है 50 लाख रुपीज फॉर 1% इक्विटी।
superb, very nice designs, Achal. Thank you. Lovely. मैं डिजाइनर बिल्कुल नहीं हूँ. मैं लॉयर हूँ एक प्रोफेशन से. मैंने 7 साल एज ए लॉयर काम किया दिल्ली में. I didn't see that. मैंने फ्लाई रोप फाउंड नहीं किया है. मैंने रेंटेड बे फाउंड किया था विद माई पार्टनर्स और हमने फ्लाई रोप को जो इस स्पेस में लार्जेस्ट प्लेयर था उसको अक्वायर करा. तो रेंटेड बे आपने कब स्टार्ट किया? 2016 में शुरू करा, अ फ्यू मंथ्स आफ्टर फ्लाई. गॉट इट. रेंटेड बे में हमारी बूटस्ट्रैप कहानी थी. ये समझ आया कि टेक इनेबल्ड बिजनेस बनाना है, ऑनलाइन खुद करा काम, अपना फर्स्ट स्टोर भी खुद खोला. उसके बाद 2018 में हमने एक इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करा, फर्स्ट राउंड. एंड फ्लाई रोप ने हमको 2019 जनवरी में फोन करके पूछा, हम अपना कंपनी बेचना चाहते हैं, सो आर यू इंटरेस्टेड. उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वीसी से पैसे रेस किए. जी 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 exactly. आपने कितना रेस किया था 2018 में? हमने तो सिर्फ 1.5 करोड़ का राउंड रेस किया था. क्या वैल्यूएशन? 6-6.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे. और फ्लाई रोप ने कितना रेस किया था तब तक? फ्लाई रोप 10 मिलियन डॉलर्स रेस कर चुका था. 10 मिलियन 70 करोड़. क्यों बेचना जा रहे थे? उन्होंने काफी सारा पैसा वेस्टर्न वेयर रेंटल में लगाया. कुछ सालों बाद समझ आया कि वेस्टर्न वेयर में कैक कमी नहीं हो रहा था. लॉजिकली कितने लोग हैं जो रोज वेस्टर्न वेयर नया पहनते हैं? बिल्कुल. तो प्रोडक्ट को चेंज करके एथनिक वेयर करा. अब एथनिक वेयर ऑनलाइन रेंट कर रहे थे तो फिर समझ आया कि स्टोर्स खोलना जरूरी है. सो इट्स अ ओमनी चैनल बिजनेस. तो यहाँ तक आते आते काफी पैसा बर्न हो चुका था ऑलरेडी. तो स्टोर्स खोले जो स्टोर्स अच्छा रिजल्ट दिखा रहे थे, बट इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो बहुत टाइम नहीं दे रहे थे उनको. तो अभी हमको लगा कि इट्स अ वेरी गुड डील. क्या डील क्या हुई थी? दिस वॉज अ स्लम सेल. हमने कंपनी ने एक्वायर करी, बेसिकली बिजनेस ट्रांसफर करा स्लम सेल से, और हमने ये 6 करोड़ में एक्वायर करा. फ्लाइरोप एज अ ब्रांड आज तक 37 करोड़ रेवेन्यू कर चुका है. Okay. जिस साल हमने एक्वायर किया था उस पहले वाले साल में फ्लाइरोप ने 13 करोड़ रेवेन्यू किया था 25 करोड़ के बर्न पे. जब हमने एक्वायर करा हमने उस साल में 8 करोड़ का रेवेन्यू किया 4 करोड़ के बर्न पे. हमने ऑब्वियसली थोड़ा रेवेन्यू कम किया, बट आइडिया वॉज की प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं. Right. हमने मार्च में अपना पहला फ्रेंचाइज स्टोर साइन करा बैंगलोर में. 2020. और एक हफ्ते बाद कोविड हो गया. हम स्केल तो थोड़ा सा ऑफलाइन की तरफ कर रहे थे, बट हमारा ऑफलाइन धंधा ही बंद हो गया. उस टाइम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से बहुत लड़ाई होती थी बिकॉज हमारे पैसे ड्यू थे, वो दे नहीं रहे थे. हमने लास्ट अपने पैसे यही रेस किए थे 1 अप्रैल 2020 को. टोटल कितना रेज हो गया अपना? 1.5 करोड़ पकड़ के. हाँ जी. जो 6 करोड़ वहाँ पे दिए 7.5 करोड़ हो गए. हमने टोटल 8 करोड़ रेस किया. टोटल 8 करोड़ रेस किया आज तक. 8 करोड़ रेस किया. तो कितना डाइल्यूशन किया उसके लिए? फाउंडर्स के पास 40% इक्विटी है. अच्छा. और 60% इन्वेस्टर्स के पास है, बट दिस इज वेरी क्लियर कि अगले राउंड में इन्वेस्टर्स डाइल्यूट करेंगे. लास्ट वैल्यूएशन कितना था? Was 30 crores in April 2020. आपके इन्वेस्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है और शेयर कितना है? 54% माइक्रो वीसी फंड्स है. Oh, wow. Okay. बिजनेस मॉडल समझाइए पहले. फिजिकली हमारे पास 7 स्टोर्स हैं आज की डेट में. एक हमारा फ्लैगशिप स्टोर है और 6 फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं. एंड अगले इनफैक्ट आज हमारा 8वां स्टोर खुल रहा है. 9 स्टोर नेक्स्ट वीक. सो वी आर 9 स्टोर इन टोटल. हमारे पास डबल प्रोडक्ट है. एक हमारी खुद की इन्वेंट्री है और एक मार्केट प्लेस इन्वेंट्री है जिसको हम C2C बोलते हैं. हम कस्टमर से लेते हैं. या लाल कलर का लहंगा जो मैनिकिन ने पहना है, इट्स अ गौरव गुप्ता डिजाइन. इट्स अ कस्टमर्स इन्वेंट्री. 4,75,000 का MRP है. इसको हम 50,000 पे रेंट पे देते हैं. आपका एवरेज रेंटल प्राइस क्या है? 5,500 फॉर स्टोर एंड 3,500 रुपए फॉर ऑनलाइन. गॉट इट. तो थोड़ा मॉडल ठीक से समझा दो कि जो C2C है उसमें ऐसे पैसा बनता है ठीक, और जो खुद की उसमें ऐसे बनता है जी. सो C2C मॉडल में बेसिकली हम कस्टमर को 30% ऑफ द रेंटल देते हैं. बेसिकली उनको समझाते हैं कि 40% कॉस्ट निकल गया, 60% आधा आधा. सो कॉग्स हमारा 30% रहता है, 70% अपना क्रॉस रहता है, और उसके आगे हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस रहते हैं इस मॉडल में. जस्ट वन सेकंड. सिर्फ C2C में 30% आपका कॉस्ट हो गया. ओन इन्वेंटरी में उतना ही 20-25% आपका कॉस्ट होगा? ओन इन्वेंटरी में एग्जैक्ट 25%. ओके. सो लेट्स से 25-30% इज योर कॉस्ट. जी. अभी बाकी सब खर्चे निकाल के आपको बॉटम लाइन पे क्या बनता है? 27% एट आवर स्टोर. एक फ्रेंचाइज स्टोर पे हमको 15% कमीशन बनता है और 16% उसको प्रॉफिट मिलता है. गॉड. ये बॉटम लाइन हो गया अपना, EBITDA हो गया. जी. ओके, थैंक यू. तो कितना धंधा किया आपने इस साल? इस साल हम अब तक 2.8 कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू क्लोज एट 7 crores. FY23 में? FY23 वाज 2.9 crore. और पिछले महीने कितना किया आपने? हमने क्लोज किया 63 पर. तो why only 7 crore? अभी तो सीजन आएगा आपका. बेसिकली हम अपने पहले 7 महीने में 40% रेवेन्यू करते हैं और बाकी के 5 महीने में 60% रेवेन्यू करते हैं. कितने पैसे बनाओगे? 7 करोड़ में कितने पैसे बनाओगे? हम 7 करोड़ हमारा GMV रहेगा तो 15% प्रॉफिट बनाएंगे हम. करोड़ रुपए. हाँ जी. फ्रेंचाइजी कितने पैसे लगाता है? 35 लाख.
आपने अगर हमारा फ्रेंचाइज लिया, आपका स्टोर का 20% स्टॉक, लग्जरी स्टॉक जो वैल्यू में 60-70 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, वो हम आपको अपफ्रंट फ्री देते हैं। और जो 80% स्टॉक है वो खुद अरेंज करते हैं। वो खुद करता है, लेकिन वो आपको दिखाएगा क्यों सारे नंबर्स? वो खुद का माल लेगा, डालेगा, वो अपना साइड का धंधा चलाएगा? नहीं चला सकता, वो यूजुअली नहीं चला सकता, बिकॉज़ बारकोड्स हमारे अटैच्ड होते हैं और हर रोज हम लोग चेक करते हैं। नहीं, वो कैश में कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी निकाल लेते हैं जुगाड़। ये हमने फेस करा था कि आपका 0% फ्रॉड है आज की डेट में, 0% फ्रॉड, क्योंकि डेटरेंट इफेक्ट बहुत सॉलिड है कि आपको माल ही नहीं आएगा। आप बिना लग्जरी के अपना स्टोर नहीं चला सकते हो। आंचल, आपका बिजनेस मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा है, क्योंकि अभी एक मतलब 2-3 स्टोर वाला कंपनी जो है वो एग्जैक्टली नेट रेवेन्यू में दिखोगे, जो एक्चुअल बुक्स में जाता है, जो एक इन्वेस्टर को जिससे मतलब है। तो आपका नेट रेवेन्यू विद 9 स्टोर्स इज वेरी, 9 स्टोर्स तो होंगे अभी, 8 स्टोर, ऑल दी स्टोर्स आर नाउ, ओके 7 स्टोर्स। तो बेसिकली जो आपका 7 स्टोर्स वाला इज सेम एज अनदर कंपनी का 2.5 स्टोर्स। आप ये जो रेवेन्यू मैंने आपको बताया, ये 2.5 स्टोर्स का रेवेन्यू था जो लास्ट ईयर वाला है। जी, तो ये बाकी के सब स्टोर्स हमने, आपका लास्ट मंथ का नेट रेवेन्यू कितना है? अभी तक हमने 2.8 करा है। तो लास्ट मंथ का पूछ रही है आपको? मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर मैं इस साल का मैं बता सकती हूँ हमारे पास नेट रेवेन्यू कितना है। इस साल हमने अप्रैल से लेके अब तक 2.8 करा है, जिसमें 2.8 किया है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, 2.2 हमारी बुक्स में आया है। और इस साल 7 करोड़ अगर आप जीएमवी करेंगे तो नेट रेवेन्यू अबाउट 5 करोड़ है। 5 करोड़ इसमें, हाँ। तो वो आप 8-9 स्टोर से करेंगी, दूसरे लोग कर रहे हैं 2-3 स्टोर से 2300 के एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे, सेम नंबर। खाली मेंस का धंधा चलाए तो हमारे भी सेम नंबर्स आएंगे, बट मार्केट विमेंस की बहुत बड़ी है, हम इस मार्केट को छोड़ नहीं सकते। जब सब बंद हो गए इतने सारी फंडिंग लेने के बाद, आप क्यों जीत रहे हो? आप में ऐसा क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कंज्यूमर माइंडसेट चेंज बिजनेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। आई वुड से दैट ओला उबर आए थे तो कौन ले रहा था टैक्सी? धीरे 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 माइंडसेट चेंज हुआ। अब सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं, लाइक यू नो व्हेन सोनम कपूर करण जौहर के शो पर बोलती है कि हम पागल थोड़ी जितने महंगे कपड़े खरीदे, ओला क्लोजर बोरोड। व्हेन सारा अली खान वॉक्स द रैंप, शोज ऑफ अ लहंगा एंड सेज दिस इज बोरोड फैशन। एंड ऑल्सो ये सस्टेनेबिलिटी नैरेटिव को भी एक्सपैंड कर रहा है, राइट? सो माइंडसेट चेंज हो रहा है। एक डाउट है, जी जी जी, जो इंसान ने 4.5 लाख का गौरव गुप्ता का लहंगा खरीदा है, वो इंसान को इंटरेस्ट होगा कि रेंटल से पैसे कमाने में? सो बेसिकली वो जो इंसान है जिसके पास ये गौरव गुप्ता पड़ा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा उसका। इंडिया में सेकंड हैंड एथनिक सेल्स की मार्केट नहीं है। पर वो सोच तो रही है ना कभी पहनेगी, इट्स नॉट लाइक शादी का जोड़ा कि कभी नहीं पहनेगी। सो जब वो पहनेगी तो हम दे देंगे। बट खराब कर दिया तो 4.5 लाख आप उन्हें देंगे? हम कस्टमर से बाय द वे रेंट प्लस सिक्योरिटी लेते हैं। सिक्योरिटी पूरा वैल्यू कवर नहीं करता है, बट ऑलमोस्ट वो इन प्रोडक्ट्स की 20-30% एमआरपी कवर करता है। और हमारे अग्रीमेंट में एक क्लॉज है कि अगर हम खराब करेंगे तो उतना आपको दे देंगे। अरे आप हमेशा इतना तेज बोलती हैं क्या? सॉरी, इतनी जल्दी बोलती है, मेरी हार्ट बीट यहाँ तक। नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड थिंग। आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इससे समझ में आ जाए। आपके सी टू सी में कस्टमर रिटेंशन कितना है? अप्रोक्सीमेट नंबर है मेरे पास, जिन लोगों से हमने पहले पिछले साल लिए थे वो उनमें से और लोग अबाउट 15-20% लोग और दे रहे हैं हमको कपड़े। वही प्रॉब्लम है ना, सो इट इज नॉट समथिंग कि बट वो उनके पास है भी नहीं ना। जैसे मैंने शादी का लहंगा था, वो तो एक था ना, तो वो तो दे दिया। आपका एक एवरेज जो कपड़ा है वो ऑन एवरेज कितनी बार रेंट हो रहा है? सो हम अपना AOV 6 times कैलकुलेट कर रहे हैं अभी इन लाइफ टाइम। हाँ, 2 साल में 6 times। कॉम्प्लिकेशन क्या है बिजनेस? कॉम्प्लिकेशन अब तो कुछ नहीं, आई थिंक शुरू में बहुत सारी थी। QR कोड है, वही हमारा डोर ट्रैकिंग में मिट गया था, तो इंक और कपड़ा भी समझना में टाइम लगा था। तो वी सॉल्व ऑल दोस प्रॉब्लम्स, अब तो जर्नी समझ आ रहा, रास्ता क्लियर है देखने। और आप कंपनी खरीदते बेचते रहते हो, आप तो और भी खरीदने का प्लान है कोई? आई विश, यस। आंचल, maybe we'll talk more when we come closer to the decision. Absolutely. But yes. Thank you, love your energy and passion. Thank you so much. Yeah. Very nice seeing you all of you. Thank you. Go girl. हमने कैंडिड मैन की शुरुआत 2017 में बैंगलोर से की थी और आज हमारे स्टोर बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली में भी है। आज हमारी आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी इन अवर कंपनी। मैंने फ्लाईरोप फाउंड नहीं किया है, हमने फ्लाईरोप को जो इस स्पेस में लार्जेस्ट प्लेयर था उसको अक्वायर करा। हमारे पास 7 स्टोर है आज की डेट में। मेरी आस्क है 50 लाख रुपीज फॉर 1% इक्विटी।
या आप लोग खुद ही डिजाइन करते हैं? 50% हम खुद डिजाइन करते हैं और 50% हम होलसेलर से सोर्सिंग भी करते हैं। हमारे पास डबल प्रोडक्ट है, एक हमारी खुद की इन्वेंट्री है और एक मार्केट प्लेस इन्वेंट्री है जिसको हम C2C बोलते हैं, हम कस्टमर से लेते हैं। आपका एवरेज रेंटल प्राइस क्या है? 5500 फॉर स्टोर एंड 3500 फॉर ऑनलाइन। एवरेज कितना था आपको? 2300 सर। आपने कोई फंडिंग उठाई? नहीं उठाई। हमने टोटल 8 करोड़ रेस किया आज तक। हमारा लास्ट ईयर का सेल्स था 2.1 करोड़, इस साल का प्रोजेक्शन है 6 करोड़। FY23 वॉज 2.9 crore, इस साल हम अब तक 2.8 कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू क्लोज एट 7। ये जो बिजनेस है ये ऑपरेशनली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकेंडली वेरी हाई इन्वेंट्री मॉडल और थर्डली डैमेज रिटर्न मेंटेनेंस बहुत खिटपिट वाला बिजनेस है। और इतना सब खिटपिट करने के बाद भी जो एक इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट है उसमें ये कितने हद तक स्केल होगा आउटसाइड ऑफ मेट्रोज आई एम नॉट वेरी श्योर एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ऋषभ श्वेता, सो मैंने भी नमिता की तरह डिसाइड किया था कि रेंटल वाले बिजनेस में कभी घुसना नहीं है। इसमें आपका दो जो चीजें हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हैं जो आपने क्रैक की हैं। एक तो है कि आपने 1 ईयर में एक कपड़ा ऑन एवरेज बोला कि आप 8 बार कंज्यूमर को रेंट करते हो। दूसरा आपने बोला कि आपका जो फ्रॉड केसेस है वो इज लेस देन 1%। तो ये दोनों जो मेट्रिक्स हैं मतलब मेरे दिमाग में पॉसिबल ही नहीं थी एक रेंटल बिजनेस के लिए। पर अगर आपने वो क्रैक किया है तो आप में कुछ एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ है बट आपकी टीम में बहुत गैप्स हैं। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ बट दिस इज कंडीशनल टू मी वेरीफाइंग दीज टू नंबर्स। एवरेज यूनिट का 8 बार एक साल में यूसेज होता है एंड 1% से कम है फ्रॉड केसेस। So my offer is 60 lakhs जो आपने ask था for 10% of the business because this will require some hand holding. Wow, very nice sir. Finally you got an offer. Rishabh अब तो हंस दे। नहीं but हमारा इस साल का ही projection है revenue में 6 crore। और 2 crore तो profit है आपका इस साल। हाँ। आपको थोड़ी सी ठेस पहुंची इतना लो वैल्यूएशन सुन के, ये हुआ? डोंट वरी, अनुपम इसको सॉल्व कर देंगे। वो आपको ये बहुत अच्छा ऑफर देंगे क्योंकि वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते फाउंडर्स। आई विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। आई विल गो नेक्स्ट, नो ब्रो, स्ट्रेसिंग मी आउट। नहीं, आपके बिजनेस का पंचनामा निकाला जाए तो मेरे को लगा कि प्रोडक्ट आपने मार्केट में ढूंढ लिया। आप दोनों की एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, मेरे को बहुत पसंद आते हैं ऐसे फाउंडर्स। प्लान ऑफ एक्शन इतना थॉट क्लैरिटी नहीं मिली बट उसको मिलके जंप स्टार्ट कर सकते। मैं आपको ऑफर देता हूँ 60 लाख जो आपने मांगा हुई फॉर 5% इंस्टेड ऑफ 10 जो विनीता ने दिया, तो आई एम वैल्यूइंग द कंपनी 12 crore। श्वेता सुपर इम्प्रेस्ड, आप बहुत शार्प और एनालिटिकल, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लगता है आप बहुत दूर जाएंगे ये, लेकिन जैसा सबने कहा ऑपरेशनली काफी इंटेंस रहेगा। आपको कम से कम 50 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। ये बात से मैं कन्विंस हूं कि अगले 2-4 साल VC इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ये वाला रिस्क लेने के लिए एज विनीता ऑफर्ड टू यू दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स बैठना पड़ेगा 8-10% ऑफ योर कंपनी। वो आज आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इस वजह से मैं आउट हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने ठेस पहुंचाई है। ऋषभ श्वेता सॉलिड एंटरप्रेन्योर्स, अभी आप 5-10% कंपनी के मत देना, मैं अभी आउट हूँ। ज़्यादा आपको अभी हेल्प नहीं चाहिए, 2-3 और स्टोर्स खोलो, फिर आपको अच्छी वैल्यूएशन भी मिलेगी। ये लोग बहुत गंदी वैल्यूएशन दे रहे हैं आपको। खुद तो आउट हो गए। सो हमारा आप दोनों के लिए काउंटर है 60 lakhs फॉर 3% equity। वेरी नाइस। मतलब दोनों शाक को चाहती है कि कोई भी ले सकता है? दोनों भी चलेगा, कोई भी चलेगा। बट वैल्यूएशन 20 करोड़, 20 करोड़ आपका नो गो है। 2 crore तो हम प्रॉफिट करेंगे ही। मैं 20 करोड़ तक तो नहीं जा पाऊंगी। एक मैं सजेस्ट कर सकता हूं कुछ, आप जो भी करना चाहें ऑफर कर दो एट व्हाट इक्विटी,
और अगर आप वो 2 करोड़ का पैट कर लेती हैं तो आप क्लॉबैक कर लो थोड़ा इक्विटी। हाँ, दैट इज फाइन विद अस। 3% विद द क्लॉबैक। ठीक है, चलिए मैं आपको अभी ऑफर करती हूँ 60 लाख फॉर 5% एंड अगर आपका 2 करोड़ पैट FY24 में हो जाता है एंड माई अदर कंडीशन स्टिल होल्डिंग तो आपको वो 2% एक्स्ट्रा जो क्लॉबैक मिल जाएगा तो वो 3% आपको डील मिल जाएगा। सेम ऑफर। आर यू गाइज गोइंग टुगेदर? ठीक है, वी कैन गो। डील पक्की। ऑसम। Congratulations. Thank you. Super inspired. Welcome back. Anchal. थोड़ा पानी वानी पी के आई, थोड़ा शांत हो गए। Right. So, Anchal, honestly, आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग है। C2C बिजनेस है स्पेशली, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस फॉर मी पर्सनली, सो आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू Anchal। कभी कभी ना हाई एनर्जी एंड हाई इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत डायरेक्शंस में हसल कर रहे होते हैं कि हम अपने लिए ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं। तो आपके जो ऑपरेशनल मेट्रिक्स है ना, वो कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड बिजनेसेस जो इस इंडस्ट्री में हैं उनसे खराब है। तो आई थिंक इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिफोर यू रेज मोर कैपिटल। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक एंड कीप गोइंग। थैंक यू Anchal। जब मैं बैठा था यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा था रेंटल इतना बड़ा होगा, बट फिर स्टोर के नंबर सुने आपके भी उनके भी, तो मैं कन्विंस हो गया कि हाँ मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि आप इसका प्लान ऑफ एक्शन जो आपने चुना है वो एक्यूरेट है। मुझे लगता है आप कम करिए अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और उस पर फोकस से चलाइए तो शायद बढ़ेगा। आज मैं बाहर हूँ Anchal, मैं दोनों से डिफर करता हूँ। मुझे लगता है आपकी एनर्जी आपके स्ट्रेंथ है। इस इंडस्ट्री में जहाँ पे फंडेड प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे अपना नाम बनाया, फ्रेंचाइजीज को भी पैसा बना के दे रहे हो और खुद भी पैसा बना रहे हो। मुझे लगता है आपकी एनर्जी सॉलिड है और उसको आप सही यूज कर रहे हो। मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला कि मैंने बहुत चीजें ट्राई करी और पहले कॉम्प्लिकेशन थी, अब नहीं है, अब मैंने सॉल्व कर दिया। आई लव यू फॉर दैट एंड फॉर दैट आई विल गिव यू एन ऑफर। व्हाई आर यू सो वंडरफुल? ओके, क्या बात। सो मैं आपको दूंगा 50 लाख फॉर 5%। ओके, सो दैट्स ओके। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपकी जो कैप टेबल है ना काफी मैसी है। 54% With a micro VC, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं आप में पैसे डालूंगा या आपके माइक्रो VC में डालूंगा। So that's my biggest challenge and that's the reason I'm out. Good luck to you. You have an offer. I hope it works out. Thank you so much. Can I take some time and come back? Thanks. Ricky, yes. We have one offer from Aman. 50 lakh के बदले 5% equity. हाँ कितना बोलो ना? अभी तो इसने दूसरे वाले को कहा 50 लाख में 2-3-5% मत दे देना। पर हम इसके अधूरी करते हैं हमारे साथ। इसकी केबल की तो बिल्कुल ही लगी हुई है, तो 5% कैसे लेते? ये Anchal जी, Anchal जी, before you say anything, equity अपनी संभाल के रखना चाहिए, तो सोच समझ के आप ये डील करना। जी हाँ, right? आपको डाउन राउंड ऑफर हो रहा है, I think, 1/3 पे। So, Aman, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा किया इनको इग्नोर करके। आप थोड़ा सा इक्विटी कम करना पसंद करेंगे, मतलब पसंद तो नहीं करेंगे, पसंद मतलब करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी ऑब्वियसली इक्विटी प्रोपोर्शन ऐसा है कि और राउंड रेस करना ही पड़ेगा हमको। सो आई एम आस्किंग कि आप 50 lakhs 3% पे देना चाहेंगे। दैट्स अ गुड काउंटर, दैट्स अ गुड काउंटर, वेरी वेरी नाइस, वेरी फेयर। या बट समटाइम्स शार्क्स आर अनफेयर एंड अनरीजनेबल, सो दैट इज बिटवीन यू। मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता 50 lakhs फॉर 3%। ये बिजनेस नॉर्मली जैसे
सबने बोला अभी 2-3 साल तक कोई हाथ नहीं लगाने वाला, तो आपको और बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे काउंटर ना आपकी ना हमारी, बीच में 4%। Thank you, Anshul. All the best. Thank you so much. Thank you. All the best, Anshul. Thank you.